पिछले सात साल में तेल की कीमतें कब कब घटी? ग्रोथ रेट से इतना दुखा वाक्य आप बता देंगे कब घटी पिछले सात साल में? वो 35 रुपए पेट्रोल कब आया? आप इस आंकड़े को नकार रही है क्या? मैंने आंकड़े आपके आंकड़े को तवज्जो दी, आप बताइए आंकड़ा गलत है क्या? इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या? सब लोग निरुत्तर हो गए हैं, निरुत्तर हो गए या दरअसल सवाल वाजिब थे कि नीति बदलनी पड़ी? अक्सर हमारा मीडिया कुछ गिने चुने मुद्दे उठाकर उन्हीं पर डिबेट करता है और उसमें भी सवाल विपक्ष के नेताओं से ही होते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की, जो कि बीजेपी नेताओं से सवाल भी करते हैं और जनता के असल मुद्दे भी उठाते हैं। न्यूज 24 पर पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में सवाल संदीप ने बीजेपी नेता से किए, तब बीजेपी नेता अपने जवाब में सरकार की उपलब्धियां को गिनाने लगे, जिस पर संदीप ने उन्हें टोका और सही से जवाब देने को कहा। तो आज के अंदर डिमांड की कमी है। उस समय की व्यवस्था जो मनमोहन सिंह जी ने जैसी सत्ता चलाई है, जिस समय की स्थिति है आज, वो स्थिति है क्या? पिछले सात साल में तेल की कीमतें कब कब घटी? ग्रोथ रेट से इतना दुखा वाक्य आप बता देंगे कब घटी पिछले सात साल में? वो 35 रुपए पेट्रोल कब आया? $30 पर बैरल कच्चे तेल की कीमतें आई, इस बात को तो डिनाई नहीं करेंगे। कच्चे तेल की कीमतें गिरी तब आपने कहा था, तब आपने दावा किया था हम खुश नसीब हैं, बदनसीबों की क्या जरूरत है? हाँ, तो उस समय भी हमने इंटेलिजेंस किया कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में हैविली इन्वेस्टमेंट किया, तब 11 किलोमीटर पर डे से रोड बनते थे। पिछले साल मार्च से मई में गोपाल बाबू, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $30 पर बैरल आ गई, तो आपने कीमतें तो घटाई नहीं, आपने 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर और 16 रुपए डीजल पर बढ़ाकर ये कह दिया, देखिए हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। न्यूज 24 पर बेरोजगारी के मुद्दे पर भी डिबेट हुई। इसमें जब संदीप ने बीजेपी नेता से सवाल किए, तब नेता सरकार के बचाव में कुछ आंकड़े देने लगे। जब संदीप ने अपने तीखे सवालों में उन्हें घेरा, तब नेता बात को गोल मोल घुमाती दिखी। तो स्किल इंडिया मिशन 2015 में गाजे बाजे के साथ चला, इसमें कुल मिलाकर अभी तक 68 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, उनका कौशल विकास हुआ और सिर्फ 15.5 लाख लोगों की नौकरी लगी 68 लाख में से। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारी इतनी कमाल की है। संदीप जी, मुझे एक चीज बताइए कि आप ऐसा कौन सा चश्मा लगाते हैं कि आपको मोदी सरकार के खिलाफ कभी एक भी अच्छा सही पॉइंट नहीं मिला? आप जब इस देखो आंकड़े को नकार रही हैं क्या? कौशल विकास के आंकड़े को नकार रही हैं क्या? एवरीथिंग इज डार्क, एवरीथिंग इज ग्लूम एंड डूम, आप इस आंकड़े को नकार रही हैं क्या? मैंने आंकड़े आपके आंकड़े को तवज्जो दी, आप बताइए आंकड़ा गलत है क्या? इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्या? स्किल इंडिया कौशल विकास किया जाता है तो उसे नौकरी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। घबराइए मत, आप नहीं घबराता। 20 नहीं, आप 2 मिनट दो, पर पॉइंट का जवाब दो, सवाल जो उठाया गया उसका जवाब। न्यूज 24 पर ही वैक्सीन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र कर बीजेपी नेता से कुछ सवाल किए, जिस पर वह विपक्ष पर टिप्पणी करने लगे, जिस पर संदीप ने उन्हें टोका और अपनी पार्टी को लेकर जवाब देने को कहा। तो 6 महीने में 3 बार वैक्सीन नीति बदल दी, देर आया दुरुस्त आयद कहा जाए। अपराजिता सारंगी, सुप्रीम कोर्ट का दबाव, विपक्ष भी ताल ठोक रहा है, हमारे दबाव में अब यह नीति बदलनी पड़ी, अब सही राह पर आई सरकार। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद मुझे लगता है सारे प्रश्नों का अंत हो गया, सारी आशंकाओं का अंत हो गया। क्या विपक्ष और क्या अन्य लोग, सब लोग निरुत्तर हो गए हैं। निरुत्तर हो गए या दरअसल सवाल वाजिब थे कि नीति बदलनी पड़ी? नहीं नहीं अपराजिता, विपक्ष निरुत्तर हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी संतुष्ट हो गया, या दरअसल सवाल ये जायज थे कि आपको नीति बदलनी पड़ी? देखिए, विपक्ष का काम है कहना, कुछ तो विपक्ष कहेगा, विपक्ष का काम है कहना। ग्रामीण इलाके में कितने टीके लगे, ये तमाम सवाल विपक्ष नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछे, इनका दबाव आ गया। न्यूज 24 पर अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी डिबेट हुई। इस डिबेट में जब बीजेपी नेता सरकार की तारीफ करते नजर आई, तो उस पर संदीप ने उन्हें बार बार टोका और सही सवालों के जवाब देने को कहा। और महंगाई की दर, जो आपने 7 साल महंगाई डायन को काबू में रखा, वो महंगाई की दर 8 साल के अपने उचले स्तर पर है, 10.5% आ गई। जिस सक्षम नेतृत्व को मोदी सरकार ने दिखाया है, वो शायद ही किसी भी नेशन, नो नेशन हैज वॉर अगेंस्ट कोविड सो ब्रिलियंटली
चाहे आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आप बिल गेट्स की बात करें, आप यूनाइटेड नेशन की बात करें। तीन चीजें आपने बड़ी अहम गिनवाई, आपने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज की, बिल गेट्स वगैरह तमाम लोगों की बात कर दी। उन लोगों को ये पता है 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए पिछले एक साल में? गरीबी रेखा का मतलब अब सवाल मेरा भी तो सुन लीजिए, 375 रुपए प्रतिदिन कमाने वाले लोग, वो 23 करोड़ लोग उससे भी नीचे चले गए। आप बात करते हैं 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आए हैं, आपका आंकड़ा गलत है। अच्छा गलत है। हम उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही जरूरी मुद्दों पर डिबेट संदीप आगे भी करते रहेंगे और ऐसे ही बीजेपी नेताओं को उनकी जिम्मेदारी का एहसास करवाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.